अस्सलाम वालेकुम। बहराम पहाड़ों के सफ़र के साथ मैं हूं नसीर अब्बासी और जिस जगह आज मैं मौजूद हूं ये है नंदकोट जी, तहसील मरी का। ये एक नवाई गांव है और तकरीबन इस्लामाबाद से जो वफाकी इदारे हुकूमत है वहां से 32 किलोमीटर के बाद थ्रू आउट मरी की तरफ सफ़र करते हुए रास्ते में आता है। आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं मरी को। मरी के बारे में तो पूरे पाकिस्तान क्या कि दुनिया को पता है कि ये एक टूरिस्ट पॉइंट है और टूरिस्ट भी बेशुमार आते हैं यहाँ पर, लेकिन आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं मरी की हिस्ट्री को। और जिस जगह मैं मौजूद हूँ यहाँ पर अंग्रेज़ ने पहला आके अपनी छावनी कायम की है तकरीबन 1844 से ऑनवर्ड, यानी यहाँ पहला उसका क्याम था इस नंदकोट के मकाम पर। और इसके बाद जो अंग्रेज़ का पसंदीदा मकाम या टूरिस्ट पॉइंट जिसको समर के तौर पर, समर में उनका वफाकी दारुल खिलाफा भी रहा है अंग्रेज़ के दौर का मरी, वहाँ पर जाके उन्होंने पड़ाव किया और वहाँ उस दौर की हमें डेवलपमेंट भी नज़र आती है। तो दिखाते हैं मरी के मुख्तलिफ नशेब फ़रास के, मरी का नाम मरी कैसे रखा गया, मरी में जो अंग्रेज़ ने छावनियाँ कायम की अब उनकी सूरत हाल क्या है, और रिलीजियस टूरिज्म के बारे में भी बताएंगे। आप हमारे साथ रहें। कोसार मरी का इलाका पीर पंजाल के पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है। मरी पाकिस्तान का सबसे बड़ा नुमाया और हर दिल हजीज सियाती मकाम है। मलका कोसार मरी पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से सिर्फ 1 घंटे की मुसाफत पर वाक़ है। इस्लामाबाद से मरी तक का सफर बुलंदो बाला पहाड़ों, घने जंगलात, आसमान में दौड़ते और रक्स करते बादलों के हसीन नज़ारों से भरपूर होता है। सतह समुद्र से तकरीबन 7,500 फुट की बुलंदी पर वाक़ मरी शहर की तमीर बरतानी दौर में की गई। मरी माल रोड और इसके गिरदनवा की इमारतों का क्याम 1853 में मुकम्मल किया गया। अंग्रेज अफिसर गर्मी से बचने की खातर मौसम गर्मा के अयाम यहाँ गुजारते थे। उन दिनों में मरी शहर को कॉलोनियल पंजाब के समर हेडक्वार्टर का दर्जा हासिल था। शफाव लक्सा भी हैं हमारे साथ, ये प्रेसिडेंट हैं मरी हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के, मरी होटल एसोसिएशंस के, और सोशल एक्टिविस्ट हैं, और मरी के ऐसे इनकी वाबस्तगी बहुत पुरानी है। तो मरी में आए हुए हैं हम, तो मरी की हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इनसे हम पूछेंगे जी, बताइएगा मरी को मरी क्यों कहा जाता है, ये नाम कहाँ से निकला? 1857 के लगभग अंग्रेज जो है वो आए, जब मरी नहीं आए, पहले वो नंदकोट मरी के, बिल्कुल नंदकोट हमारे पड़ोस में, बिल्कुल 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 नंदकोट में आए और वहाँ पे उन्होंने, बल्कि वहाँ पे अब भी कुछ इमारात के खंडरात मौजूद हैं, वहाँ उन्होंने आके उठाए। ये वो ज़माना था कि जब मरी में गाड़ियाँ नहीं चलती थी बल्कि फिटिंग होती थी, उसके बाद ये सड़क बनी, फिटिंग चली जो पिंडी से डाक लेके श्रीनगर जाती थी, और हर गली ये घोड़ा गली, बासा गली, यहाँ पे आगे बिगल वाले होते थे, बिगल बजाते थे, घोड़े तैयार होते थे और फौरन बग्घी के आगे तैयार होते, बिल्कुल यहाँ से श्रीनगर, ये मरी। उसके बाद उन्होंने जब आगे आए तो देखा, मरी को जब देखा तो उन्होंने नंदकोट को छोड़ के मरी को अपना हेडक्वार्टर बनाया। मरी के अंदर 4 बड़े कबाइल हैं, एक तो कबीला है जिसे डूंग कहते हैं, इसको अब्बासी जिसे आप कहते हैं, दूसरा बड़ा कबीला जो है यहाँ का सत्ती, तीसरा बड़ा कबीला जो है वो है केठवाल, उसके बाद हैं दनियार। सबसे पहले नाम किसने मरी का रखा? मरी की मुख्तलिफ बातें हैं, एक जो है मसलन दास्तान मरी, प्रोफेसर करम हाजी मरहूम, उन्होंने एक लिखी थी दास्तान मरी, उसके अंदर भी बड़ी डिटेल मरी के मतलब, तो इसमें मुख्तलिफ रवायत हैं, कुछ कहते हैं मिस्टर मैरी उसके नाम से आया, कुछ कहते हैं मरी की गली, मरी की गली यह है कि वो मिर्ज़ा कादियान जो था उसने जो
अपनी लिखी थी कश्मीर के मतलब इसकी, उसके अंदर उसने कहा था कि बीबी मरियम जो है वो यहाँ आई थी, कहाँ, वो पिंडी पॉइंट, पिंडी पॉइंट के ऊपर एक जगह जिसे मड़ी की गली कहते थे, मड़ी की गली, वहाँ पे सिख जो थे वो अपना एक फंक्शन किया करते थे। ये है जी। अच्छा जी, यानी सही हमें कहा कि नहीं कि मुख्तलिफ इसके बारे में है, मुख्तलिफ बारे। अच्छा, मेन डेवलपमेंट अंग्रेज ने आके यहाँ पर क्या कुछ की? मरी की जी ये है कि सबसे पहले तो ये है कि मरी जो है ये पट्टे के ऊपर ली, अंग्रेज ने ली, किससे ली? ये जो मछियाड़ी थी। जी जी, मछियाड़ी, बिल्कुल मरी को मछियाड़ भी कहते, मछियाड़ भी कहते थे, मछियाड़ भी कहते थे मरी से पहले मछियाड़ी। उनसे इन्होंने पट्टे में ली थी, उसकी भी एक अलग हिचकी है। वो क्या मुख्तसर सा थोड़ा सा शॉर्ट सा हुआ, उसने कहा जब बात हुई तो उसने जीन पहनी हुई थी, उन्होंने 20 रुपये दिए गए इसकी किसी पहाड़ी में, इसकी कुर्ता का ख्याल रहेगी, तंबी इसकी सुवाई दे जाएगी। अच्छा अच्छा, बाकी 40 रुपये जो हैं वो जो है वो पटा, वो आज भी लिया जाता है। बाद फैमिली के हिस्से में 1 पैसा आता है, बाद फैमिली के हिस्से में 1 आना आता है। यानी अंग्रेज के दौर में जो पट्टे पर दी गई वो अभी भी लिया जाता है, अभी भी लिया जाता है। इस्लाम आबाद जो पाकी दारुल हुकूमत है उससे तकरीबन 32 किलोमीटर थ्रू आउट आप मरी की तरफ सफ़र करें तो रास्ते में एक नंदकोट गांव आता है जो मरी का हिस्सा है, वहां पर मैं मौजूद हूं। और तारीख हमें यही बता रही है कि अंग्रेज़ ने सबसे पहला जो आके पड़ाव किया तकरीबन 1844 में वो इसी गांव में किया, और इसके आसार भी हैं यहाँ पर, एक कदीमी उनका कब्रिस्तान भी मौजूद है। हमारे साथ यहाँ मुकामी मिशर हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी नाम बताइएगा। शौकत आजम जी। अच्छा शौकत साहब, बताइएगा ज़रा इस कब्रिस्तान के बारे में। जी जी, हमें तो अपने बुजुर्गों ने ही बताया कि ये अंग्रेज़ का कब्रिस्तान है। अच्छा। वो यहाँ आके आबाद हुए थे, यहाँ वायरलेस सिस्टम था। अच्छा, तो बुजुर्गों ने ये बात बताई है, सांप काट जाते थे, डेली सांप काटता था, तकरीबन डेली काट देता था। तो फिर वो यहाँ से वो शिफ्ट हो गए बांसरा गली, बांसरा कैंप जो बना हुआ है, और फिर वो मरी को उन्होंने जाके पड़ाव किया। अच्छा, ये कब्रिस्तान के बारे में बताइएगा, यहाँ बाद में पाकिस्तान बनने के बाद या आपने अपनी आंखों से देखा है कभी अंग्रेज आए? जी आए, आए बहुत दफा आए। अच्छा, कितने साल पहले भी आते रहे? आज से 3-4-5-6 साल पहले आते रहे। अच्छा। ये 3-4 साल हो गए नहीं आए। अच्छा, तो पहले आते रहे, आते रहे। जहर है उनके किसी अबाओ अजदाद की ये कब्र होगी। जी बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ क्या बुजुर्ग क्या बताते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ उनकी छावनी थी? यहाँ जी ये जो घर है ना ये सामने, जी जी, इनके जो दादा थे ना, जी जी, वो वायरलेस ऑपरेटर थे यहाँ पे। अच्छा जी जी, ठीक है। तो वो बताते थे कि 4-5 कैंप लगे हुए थे यहाँ पे। ठीक ठीक ठीक। और वो तकरीबन 30-40 आदमी थे यहाँ पे। अच्छा, अच्छी खासी तादाद थी। एक कब्रिस्तान उनका उस साइड पे भी, उस साइड पर। और साथ ज्यारत है इसके, बताइएगा यहाँ किसी बुजुर्ग की कब्र? ये कोई चौधरी बरादरी के कोई बुजुर्ग हैं। अच्छा। यहाँ काफी अरसा पहले यहाँ मदफून हुए हैं वो। अच्छा, यहाँ मदफून हुए जी। आप हमारे साथ रहें, अभी हम आपको मरी शहर की तरफ लेके जाएंगे और हिस्ट्री के ऊपर भी नजर डाल रहे हैं और जो अंग्रेज के दौर में डेवलपमेंट हुई है वहाँ पर वो भी आपको दिखाते हैं। जब हिंदुस्तान का इकदार ईस्ट इंडिया कंपनी से ताज बरतानिया को मंतकिल हुआ तो 1860 में मरी को पंजाब का गरमाई दारुल हुकूमत बना दिया गया। इस दौरान अंग्रेज के रवैयों की वजह से मकामी लोगों में बगावत पैदा होने लगी और 1857 की जंग आज़ादी में अब्बासी और एबटाबाद के मुख्तलिफ कबाइल ने यहाँ भी बरतानी साम्राज्य के खिलाफ इल्म जहाद बुलंद कर दिया। यहाँ मौजूद एक कब्रिस्तान जंग आज़ादी की शुजात से बरी लाजवाल दास्तानों का आमीन है। अगर जाए बरसगीर के बाकी इलाकों की तरह मरी में भी अंग्रेज जंग आज़ादी की तारीख को कुचलने में कामयाब हो गए थे, मगर आज़ादी के सुलगते शोलों को आज भी यहाँ के गयूर पहाड़ियों के दिलों में महसूस किया जा सकता है। मिलिट्री कॉलेज मरी के करीब वाक़ कब्रिस्तान में आज़ादी के मतवालों की बहादुरी और शुजात की दास्तान आज भी सुनाई देती है।
हमारे साथ एक हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, एमएससी कर रहे हैं और इनको अच्छी खासी दिलचस्पी है, तो हमने कहा कि चलें उन्हीं से ही पूछते हैं कि उन्होंने हिस्ट्री में अब तक मरी के बारे में क्या कुछ पढ़ा है। जी अपना नाम बताइएगा। मलिक मोहम्मद फारूक। अच्छा मलिक फारूक, बताइएगा जहाँ पर जिस जगह पर हम मौजूद हैं इस कब्रिस्तान के बारे में। इस कब्रिस्तान के बारे में ये है कि 1800s में मतलब सबसे पहले ब्रिटिश के ख़िलाफ़ अब्बासी ट्राइब्स और आसपास के कुछ और ट्राइब्स से उन्होंने मिलकर यहाँ पे उनके ख़िलाफ़ जंग लड़नी थी, तो पहली जो उसमें रिबेलियन हुआ था उसमें जो अब्बासी ट्राइब्स से उन्होंने यहाँ की जो ब्रिटिश आर्मी का गैरिजन था, नॉर्दर्न कमांड का यहाँ पे गैरिजन था, तो उसको शिकस्त दे दी। तो उसमें कुछ जो सिपाही जांबाक हुए उनकी यहाँ पे कब्रें हैं। उसके बाद फिर ब्रिटिश ने एडिशनल रिक्रूटमेंट मंगाई अपने जो हेडक्वार्टर से। उसके बाद फिर एक और जंग हुई जिसमें ब्रिटिश ऑफिसर्स ने अब्बासियों और जो लोकल ट्राइब्स हैं उन्हें शिकस्त दे दी, तो उनकी भी इधर कुछ कब्रें मौजूद हैं। और फिर यहाँ पर छावनी बनी। जी छावनी उसके बाद बनी थी। जो छावनी थी नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर वो इस तरह था कि जो वो असल में शिमला में था मेन, मगर जब गर्मी आती थी तो इंडियन ब्रिटिश आर्मी ने अपना वो जो हेडक्वार्टर था उसको समर के लिए इधर कर दिया था। उसमें फिर साथ जो कमिश्नर पिंडी थे, डीसी पिंडी और असिस्टेंट कमिश्नर जो मरी थे उनका भी समर हाउस इधर ही होता था। ये कौन से सन की बात कर रहे हैं आप? ये 1853 और इसके अलावा और ह्यूज डेवलपमेंट हुई उस दौर में यहाँ अंग्रेज। 1853 में ही यहाँ पे मरी का जो फर्स्ट क्रिश्चियन चर्च है वो भी यहाँ पे तामीर किया गया, क्योंकि तब जो पंजाब के एडमिनिस्ट्रेटिव चेयरमैन थे सर हेनरी लॉरेंस, उन्होंने इसको ये पहले सेंटोरियम था, जो अफगान ट्रुप्स जो ब्रिटिश आर्मी के ट्रुप्स अफगान बॉर्डर पर लगे थे ये उनके लिए सेंटोरियम था। तो 1853 में जो पंजाब एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड के जो चेयरमैन थे सर हेनरी लॉरेंस, उन्होंने इसको एक मतलब सेंक्शन करके कैंट बना दिया, जिसमें फिर जो है मतलब सबसे पहले 1853 में यहाँ एक चर्च बना। उसके बाद जो आप सब ने सुना होगा कि माल रोड एक बहुत मशहूर है, असल में उसका नाम जिना रोड था, तो उसके बाद फिर उसे मतलब कॉमनली माल रोड कहते हैं, तो वो उसके बाद ये मतलब मेन जो तामीरात हैं वो इस तरह आ गई। अच्छा ये बेसिकली उनका टूरिस्ट रिजॉर्ट था जो आगे चल का उनका समर कैंप यानी दारुल खिलाफा भी बना। जी ऐसा ही है। जी इसके अलावा मरी किसके नाम पर बनाया गया? मरी के बारे में बहुत सी नाम के बारे में बहुत सी राय हैं। कुछ कहते हैं कि हज़रत मरियम के नाम पे कि वो इधर दफन है कहीं इसी मरी के इलाके में, एक उनके नाम पे है। और मरी एक तो सबसे यही है, बाकी जो है वो लोकल जो ट्राइब से ही जो फर्स्ट ट्राइब माइग्रेट्स किए थे उन्हीं की तरफ से फिर यहाँ का उसी के नाम चल गया था। जो ट्राइब्स इधर माइग्रेट करे उन्होंने आके एक मतलब कॉलोनी सी बना दी, तो उसे इसके पहाड़ी इलाके के नाम। आप हमारे साथ रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो मरी का मौसम है वो दिलकश ही रहता है, चाहे आप समर में आएँ या विंटर भी आएँ, तो यहाँ पर अचानक आप बारिश भी होनी शुरू हो जाती है, फॉग भी आ जाती है, और अभी भी यही सूरत हाल है, अभी यहाँ पर बारिश हो रही है। टोपा मरी में वाकई मिलिट्री कॉलेज शानदार तारीखी रवायत का हामिल है। इस कॉलेज का निज़ाम एक एकेडमिक्स काउंसिल के जरिए चलाया जाता है, जिसका मकसद तालीमी रहनुमाई फराहम करने के साथ कैडेट्स की शख्सियत साजी और तरबियत का जायजा लेना है। एक मुकम्मल शख्सियत के सांचे में डालने के लिए कॉलेज में कराई जाने वाली तमाम सरगर्मियों को निसाबी और हम निसाबी और गैर निसाबी में तकसीम किया गया है। यहाँ दाखिला 8वीं जमात से होता है और चंद नशस्तें फर्स्ट ईयर के लिए भी रखी गई हैं। मॉर्निंग पीटी के बाद क्लासेस होती हैं और क्लासेस के बाद मुख्तलिफ स्पोर्ट्स और क्लब की सरगर्मियाँ करवाई जाती हैं। कॉलेज में सालाना स्पोर्ट वीक का इनकार किया जाता है, जिसमें वॉलीबॉल, फुटबॉल और बास्केटबॉल और बैडमिंटन और टेबल टेनिस के मुकाबले करवाए जाते हैं। यहाँ के ज्यादातर कैडेट्स अख्वाज पाकिस्तान में अपनी खिदमात अंजाम देते हैं।
बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध। ये है सबसे प्यारा पाकिस्तान और मैं मौजूद हूँ मिलिट्री कॉलेज मरी में, जहाँ ग्रूमिंग हो रही है पाकिस्तान के मुस्तकबिल की। इन्हीं से ही हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की जो यूथ है वो कितनी पुरउम्मीद है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, बलूचिस्तान का एक स्टूडेंट कैडेट हमारे साथ मौजूद है, उससे। जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम इनायतुल्ला है, मेरा ताल्लुक ज़िला दुकी बलूचिस्तान से है और आर्मी में जाना मैं जो कि यार पाकिस्तानी का ख्वाब होता है, तो ये ख्वाब मेरा और मेरे वालिद साहब का भी है। इसको ख्वाब को ज़िंदा रखने के लिए वालिद साहब ने मेरे लिए एक मिलिट्री कॉलेज का इंतखाब किया और 2018 में मैंने 8वीं क्लास के तालिबे इल्म के तौर पे मिलिट्री कॉलेज मरी को ज्वाइन किया। अच्छा, बलूचिस्तान में तो आपको पता है कि वहाँ पर तो पाकिस्तान के अगेंस्ट बेशुमार नफरत के भी कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं। लोग वहाँ पर आर्मी को ज्वाइन नहीं करना पसंद करते, मुख्तलिफ किस्म की वहाँ मूवमेंट भी चलती रहती हैं। तो आप किससे इंस्पायर हो के आपने ये चूज़ किया कि मैं मिलिट्री कॉलेज में ही जाके तालीम हासिल करूँगा? आर्मी चूँकि पाकिस्तान के जहाँ पर भी हम देखते हैं कि कोई कुदरती आफात आते हैं तो सबसे पहले मैं आर्मी नज़र आती है और आखिर तक आर्मी अपने खिदमत सर अंजाम देती है। तो इसीलिए हम भी चाहते हैं कि हम भी कुछ करें, हम आगे आएँ। ये फिफ्थ जनरेशन वार जो है, जो कि अवाम और फौज के दरमियान में फासले बरकरार रख रही है, इनको ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह, हम आएँगे। और हमारे अवाम से यही दरख्वास्त है कि इन चीज़ों पर भरोसा ना करें बल्कि हमारे तरफ देखें, फौज की तरफ देखें, इनकी कुर्बानियों को याद रखें। तो आपके फ्यूचर प्लान क्या हैं? फ्यूचर में इंशाल्लाह कॉलेज से पास आउट होती हम मैसेज भी देंगे, पाकिस्तान मिलिट्री कॉलेज आर्मी को ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह और पाकिस्तान के लिए अपने कुर्बानियाँ देंगे और जहाँ तक हमसे मुमकिन होगा अपने खून के आखिरी कतरे तक भी हम वो भी पाकिस्तान के लिए पेश करेंगे। जी नाम बताइएगा। जी मेरा नाम मोहम्मद अली है, मैं गिलगित बल्तिस्तान जिला अस्तौर से ताल्लुक रखता हूं। अच्छा, अस्तौर से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, आप किससे इंस्पायर होकर आए मिलिट्री कॉलेज मरी में? मैं पाक फौज से, मेरा बचपन से ही वो ख्वाहिश थी कि मैं पाक फौज को ज्वाइन करूँ और अपने मुल्क के लिए अपने फ़र्ज़ सर अंजाम दूँ। तो आपकी फैमिली में पहले हैं कोई पाक फौज में? मेरे फैमिली में है, मेरे कज़न वगैरह आर्मी ऑफिसर हैं। अच्छा, आर्मी ऑफिसर्स हैं। और यानी आप भी ISSB के बाद आप चाहेंगे कि आप जल के पाक फौज का हिस्सा बने? जी नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम अब्दुल वहाब है और मैं आज़ाद कश्मीर डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो यहाँ आके मुजफ्फराबाद भी तो इतना ही खूबसूरत है जितना मरी का स्टेशन है, और कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके और किससे इंस्पायर होकर इस कॉलेज में आए आप? मैं अपने फादर की शहादत से इंस्पायर होकर इधर आया हूँ, क्योंकि मेरे फादर ने भी सर्व करके पाकिस्तान में 2005 में शहादत हासिल की। कौन सी जगह पर? सर हाजीपीर। हाजीपीर में जी। और क्या थे वो? ऐसे वो हवलदार। हवलदार थे। और फिर आप उनसे इंस्पायर होके आए, फैमिली ने सपोर्ट किया आपको? जी, उन्होंने किसी भी फैमिली ये तो नहीं कहा कि नहीं आप मिलिट्री कॉलेज और शुबा इख्तियार करें? नहीं नहीं, मुझे उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। अच्छा। और हौसला अफजाई भी की कि आप कर लोगे, तो इस वजह से। तो आपके क्या फ्यूचर प्लान है? मैं इंशाल्लाह आर्मी में सर्व करूँगा और खिदमत करूँगा पाकिस्तान की। आपके तो खुद वालिद शहीद हुए हैं, आप क्या कहेंगे उन असर को, क्या मैसेज देंगे आप? मैं कहूँगा कि आप एक इंसान की मिसाल ले लो, जैसे उनकी इंसान की बैकबोन होती है वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो बैकबोन हम तोड़ दें तो इंसान कुछ भी नहीं है। तो जो पाक आर्मी है वो पाकिस्तान की एक बैकबोन की तरह ही है। तो जो सोशल मीडिया वो फॉरेन नेशंस के कंट्रोल में होती है, तो वो इसी तरह ही आर्मी को ब्रेक करना चाहती है ताकि वो हमले कर सके हम पे। और आप जैसी जब यूथ इस तरह मोटिवेट होगी, इन इदारों से आके ग्रूमिंग रहेगी, चाहे वो पाक आर्मी ज्वाइन करें या अपने शुबाए ज़िंदगी में कोई भी सिविल सर्विस में जाएं, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आप पाकिस्तान की बैकबोन ही रहेंगे। जी इंशाल्लाह। आप तारफ़ करिएगा, आप कहाँ से हैं आप? मेरा नाम शाह फयाज़ है और मेरा ताल्लुक कुरम एजेंसी से। अच्छा, कुरम से हैं, डिस्ट्रिक्ट कुरम से हैं। जी। अच्छा, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, फाटा के लोगों की तो बेशुमार एक्स जो फाटा है हमारा डिस्ट्रिक्ट सॉरी सूबा खैबर पख्तूनख्वा के हिस्सा हैं आप, तो आप बताइएगा कि वहाँ तो आर्मी के साथ साथ सिविल लोगों की भी बहुत बड़ी कुर्बानी है, और आपने कैसे चूज़ किया कि आप इस मिलिट्री कॉलेज में आएंगे और यहाँ आके तालीम हासिल करेंगे? पहले ज़रा अपने इलाके के हालात बताएं, किससे इंस्पायर होकर आप यहाँ पर आएँ? ये बात है 2006 से 2012 तक, जब आर्मी ने मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए मिशन ज़रबुल अज़ब और रद्दुल फसाद की सर, उस वक्त जो पाकिस्तान आर्मी ने जो खिदमात और जो सख्तियाँ मुल्क के सलामती के लिए झेली हैं सर,
वो सबसे बड़ा जज्बा और ये उम्मीद है हमारे पाकिस्तान। और उन्हीं कुर्बानियों से आप इंस्पायर हुए हैं? बिल्कुल वही कुर्बानी और खिदमत है जो पाकिस्तान आर्मी ने हमारे मुल्क के लिए की है। मुस्तकबिल में पाकिस्तान आर्मी एज ऑफिसर ज्वाइन करना चाहूँगा और मुल्क की सलामती और खैर के लिए अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ने को तैयार है। जी अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है और मेरा ताल्लुक मेलसी साउथ पंजाब से है। अच्छा आप बताइएगा कि डेली की रूटीन्स क्या है, सुबह कितने बजे उठते हैं आप? सुबह हमारे 6 बजे उठते हैं। 6 बजे सबसे पहला क्या आप मसलन उठ के? सबसे पहले नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद पीटी के लिए आते हैं। अच्छा। और पीटी के बाद नाश्ता ब्रेकफास्ट होता है और ब्रेकफास्ट के बाद क्लासेस। तो दौड़ भी लगाते हैं? जी पीटी में प्रॉपर पीटी होती है। फिजिकल ट्रेनिंग नहीं, बिल्कुल नहीं थकते। अच्छा तो उसके बाद आपकी क्लासेस डेली रूटीन की क्लासेस जा रहा होती रूटीन की क्लासेस और फिर आफ्टरनून के बाद क्या एक्टिविटीज होती हैं? आफ्टरनून में हमारी गेम्स होती हैं और गेम्स के बाद हमारा रेस्ट टाइम होता है और उसके बाद मगरिब की नमाज होती है, उसके बाद फिर हमारा स्टडी टाइम होता है और स्टडी टाइम के बाद हमारा मैस होता है, मैस के बाद फिर स्टडी टाइम होता है और फिर लाइट्स ऑफ टाइम होता है रेस्ट टाइम। अच्छा और यही रात को मैस के बाद फिर स्टडी टाइम होता है, कितने आवर का? वो 2 आवर्स का स्टडी टाइम होता है। 2 आवर का। और गेम कौन सी खेलते हैं आप? मैं वॉलीबॉल खेलता हूं। जी ये यंग कैडेट थे, जाहिर है पाकिस्तान का फ्यूचर है और अल्लाह करे इनके ख्वाब सच्चे हों, क्योंकि ओवरऑल मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि जितने भी पाकिस्तान में कैडेट कॉलेज हों या मिलिट्री कॉलेज हों, हर बच्चे का ख्वाब होता है कि वो पाक आर्मी को ही ज्वाइन करे। अल्लाह करे इनके ख्वाब पाए तकमील तक पहुँचे, लेकिन वो पाकिस्तान के किसी को इदारे को भी ज्वाइन करें, उनके लिए ये इन इदारों में एक ग्रूमिंग होती है और इसी ग्रूमिंग को ले कर आगे चलते हैं और मुख्तलिफ शुबाए ज़िंदगी में अपनी खिदमात अंजाम देते हैं। आप हमारे साथ रहें, मैं हूँ मरी में और आपके लिए एक्सप्लोर कर रहा हूँ इस सेहत अफजा मकाम के ऊपर बना हुआ एक MCM है जिसको कहते हैं मिलिट्री कॉलेज मरी। मिलिट्री कॉलेज मरी में हैं इस वक्त और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर इंस्ट्रक्टर्स हैं इस कॉलेज के, लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण साहब, उनसे हम बात करेंगे। जी सर, सबसे पहले हमें बताइएगा इस कॉलेज के बारे में कि यहाँ स्टूडेंट्स को निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियाँ और ख़ास करके गैर निसाबी सरगर्मियों में स्टूडेंट की किस तरीके से आप ग्रूमिंग करवाते हैं? अरे बच्चे यहाँ से फारिग तहसील होने के बाद PMA जाते हैं और PMA में जाने के लिए जाहिर सी बात है कि उनको ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, फ़िक्री तौर पर बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग की ज़रूरत होती है। फॉर देट मैटर उस तमाम प्रोसेस के लिए फिर हम बच्चों को यहाँ पे निसाबी, हम निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में से पास ऑन करते हैं, गुजारते हैं। उसमें हम इनके लिए डिफरेंट किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे सुबह सवेरे इनकी PT से इनका आगाज़ किया जाता है, उसके बाद फिर इनकी नॉर्मल क्लासेस होती हैं, क्लासेस के बाद फिर ये शाम के वक्त इनकी गेम्स की कराई जाती हैं और रात को फिर मुख्तलिफ किस्म की PGP प्रोग्राम्स वगैरह भी चलाए जाते हैं। और इसके अलावा हम वक्तन फवक्तन ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम भी कैडर्स के लिए चलाए जाते हैं, जैसे ISB ट्रेनिंग कैडर है, वो जब बच्चे सेकेंड ईयर के अंदर पहुँच जाते हैं क्लास सेकेंड ईयर के अंदर, तो उनको हम ISB का स्पेसिफ़िक ट्रेनिंग कैडर कराते हैं। 2 वीक्स to 3 वीक्स उसका टाइम ड्यूरेशन होता है, उसके अंदर फिर हम उनकी तमाम जो इस तरह की चीज़ें हैं जो उनको कम्युनिकेशन में, जो उनको ज़हनी तौर पर, जो उनको फ़िक्री तौर पर मज़बूत बनाती हैं, उन पे फोकस करके हम इनको फ्यूचर लीडरशिप बनने के लिए तैयार कर रहे हैं। कॉलेज के क्याम से लेके अब तक की तारीख बहुत दिलचस्प है। अंग्रेज़ दौर में अपर टोपा दरअसल बरतानी फौजियों के लिए एक टूरिस्ट रिजॉर्ट था। 1898 में यहाँ 2 वाटर टैंक्स गड़ियाल कैंप के लिए बनाए गए। 1913 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर के लिए स्टाफ कॉलेज और 1948 में एक स्कूल बना दिया गया। 1950 में स्कूल ऑफ आर्मी एजुकेशन का क्याम हुआ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कॉलेज एबटाबाद मुंतकिल कर दिया गया। जी सैयद अफजा मकाम मरी के ऊपर हैं हम और जैसे कि आपको पता है कि अंग्रेज़ के दौर का ये जो सिटी है मरी, ये डेवलप हुआ है। जूँ ही आप मरी में दाखिल होते हैं तो आपको पाक आर्मी के साथ साथ एयरफोर्स के भी इदारे नज़र आते हैं और जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं तो सिविल इदारों के साथ साथ यहाँ पर डिग्री कॉलेज भी मौजूद है, बल्कि अभी कोएसआर यूनिवर्सिटी के कैंपस भी यहाँ स्टार्ट हो चुके हैं। आपको एयरफोर्स के भी स्कूल नज़र आएंगे, उनके कॉलेज भी नज़र आएंगे, मिलिट्री के APS भी नज़र आएंगे। थ्रू आउट आप जब तक सफाबाद की तरफ एंड करते हैं तो रोड के ऊपर आपको मुख्तलिफ किस्म के प्राइवेट कैडेट कॉलेज भी मरी में नज़र आएंगे कि इस सैयद अफजा मकाम मरी ये भी एक एजुकेशन का घर है। पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स का रुख यहाँ का होता है, ना सिर्फ सियाओं का बल्कि स्टूडेंट्स का भी।
और आपको नज़र आएंगे, चाहे वो प्राइवेट कैडेट कॉलेज में हों या APS में हों, तो आपको नज़र आएगा कि बलूचिस्तान से लेके कश्मीर तक स्टूडेंट्स यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये मिलिट्री कॉलेज मरी है, और मेरे साथ इस वक्त हैं डिप्टी कमांडेंट कर्नल डॉक्टर शहद यकूब अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम पूछेंगे कि मरी में जब ये मिलिट्री कॉलेज मरी कायम हुआ, जिसे MCM कहा जाता है, कब कायम हुआ और इसके मकासद क्या थे, और उस वक्त के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उनका क्या विजन था कि मरी में मिलिट्री कॉलेज कायम किया जाए। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि ये पाकिस्तान का तीसरा मिलिट्री कॉलेज है। जी डॉक्टर साहब बताइएगा ज़रा। मिलिट्री कॉलेज मरी का क्याम 2008 में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज़ कियानी की ज़ाती काविशों के नतीजे में अमल में लाया गया। कॉलेज का मिशन ना सिर्फ कैडेट्स को ज़हनी, अखलाकी और जिस्मानी तौर पर तालीम व तरबियत मुहैया करना है, बल्कि साथ ही उन्हें उन कायदाना सलाहियतों से मुज़य्यन करना है जिनकी बदौलत वो फौज पाकिस्तान और माशरे में अपना फ़ाल किरदार अदा कर सकें। हमारे कॉलेज का नस्बुल ऐन किरदार, हिम्मत और अज़म, कैरेक्टर, करेज एंड कमिटमेंट हमारे इस मिशन का हकीकी आकाश है। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा कि मिलिट्री कॉलेज तो ऑलरेडी दो मौजूद थे, इस कॉलेज का विजन क्या था, किस मकसद के तहत ये बनाया गया? जी हमारे इससे पहले हमारे पास एक मिलिट्री कॉलेज था जो पार्टीशन से पहले बना हुआ था, जिसे मिलिट्री कॉलेज जेलम कहते हैं। उसके बाद मिलिट्री कॉलेज मरी दूसरा मिलिट्री कॉलेज है, 2008 में बना, और तीसरा कॉलेज मिलिट्री कॉलेज सुई है, 2011 में बना। हमारे इस कॉलेज का मकसद मजबूत एहसाब के हामिल, फिक्री तौर पर सेहतमंद और जिस्मानी तौर पर तवाना कैडेट्स तैयार करना है, ताकि हम एक ऐसी नस्ल नो को परवान चढ़ा सकें जो न सिर्फ जदीद तालीम के तकाज़ों से आशना हो, बल्कि नज़्ब व ज़ब्त, खुद अतमादी और हुबुल वतनी के जज्बे से भी सरशार हों। कॉलेज का तालीमी निज़ाम एकेडमिक कौंसिल के ज़रिए चलाया जाता है। कौंसिल का मकसद तालीमी रहनमाई फराहम करने के साथ साथ कैडेट्स की शख्सियत साजी और कायदाना सलाहियतों की तरबियत का जायज़ा लेना है। कॉलेज एक प्री फैक्टोरियल निज़ाम के मुताबिक चलता है, जिसके तहत सीनियर कैडेट्स को कॉलेज और हाउस की सतह पर मुख्तलिफ किस्म की जिम्मेदारियाँ सौंपी जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा कि यहाँ पर आम तौर पर जब हम सोल्जर्स की बात करते हैं या शोदा की बात करते हैं, सिविलियन के बच्चों को भी एक होता है मखसूस कोटा होता है जो मिलिट्री कॉलेज या कैडेट कॉलेज पूरे मुल्क में चल रहे हैं वहाँ पर, लेकिन ज़्यादातर किस कैटेगरी से बच्चे आपके पास ज़्यादा आते हैं और क्या स्कॉलरशिप भी कोई अनाउंस करते हैं? जी हमारे पास जो इस वक्त इनटेक है वो हम लोग 90 कैडेट्स हम लेते हैं क्लास 8th में, और इसमें हमारा कोटा है जिसमें शोदा के 10 स्पेसिफिकली बच्चे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑफिसर सर्विंग, ऑफिसर रिटायर्ड, JCOs, नॉन कमीशन, उनके सर्विंग भी और रिटायर्ड भी। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट रीजनल कोटास जिसमें बलूचिस्तान भी शामिल है, KPK शामिल है, गलगित बलूचिस्तान भी शामिल है और कश्मीर भी शामिल है, और कुछ सिविलियन भी सीट्स हमारे पास मौजूद हैं। तो ये सारे मिला के हमारे पास तकरीबन 90 सीट्स बनती हैं, और हमने कोशिश करते हैं कि तमाम जितने भी एरियाज़ के लोग हैं उनको भी इसमें डाउटेल किया जाए। अच्छा 2008 से लेके 2023 तक आपकी अचीवमेंट क्या रही है? मिलिट्री कॉलेज मरी ने बहुत ही मुख्तसर अरसे में तलीमी अदारों में एक नुमाया मकाम हासिल किया है। अब तक तकरीबन हमारे 700 होनहार कैडेट्स अपनी इब्तदाई तालीम ट्रेनिंग पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल से बेहतरी के एहसन मुकम्मल करके पाकिस्तान आर्मी में अपना कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। हमारे कैडेट्स न सिर्फ पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी से 2 सोडा फॉनर, 2 प्रेजिडेंट गोल्ड मेडल और 1 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कैन जीत कर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं, बल्कि मुख्तलिफ गैर मुल्की अस्करी तरबियती अदारों में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमारे कैडेट्स की एक बड़ी तादाद गैर मुल्की मिलिट्री अकेडमियों से आला अजाजात के साथ फारगुल तहसील हो चुकी है, और हमारे बहुत से कैडेट्स अब भी गैर मुल्की अस्करी अदारों में ज़ेर तरबियत हैं, जिनमें रॉयल मिलिट्री अकेडमी UK, UMA मिलिट्री अकेडमी USA, जर्मन मिलिट्री अकेडमी, रॉयल मिलिट्री अकेडमी ऑस्ट्रेलिया और टर्किश मिलिट्री अकेडमी नुमाया हैं। जी सर बताइएगा कि क्या फ्यूचर प्लान हैं MCM के? मिलिट्री कॉलेज भरी जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि मुख्तलिफ डायमेंशन के ऊपर काम कर रहा है, जिसमें हमारी कैडेट्स की किरदार साजी, शख्सियत साजी के ऊपर बहुत हम फोकस कर रहे हैं। उस कंटेक्स्ट में हमारे पास जो फैकल्टी है वो बड़ी कॉम्पिटेंट लोग हमारे पास हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, PhD हैं, कुछ MPhil हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, और हम मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ इस वक्त एफर्ट कर रहे हैं कि उनकी जो लेटेस्ट टीचिंग ट्रेंड्स हैं उनको अपने यहाँ पर मिलिट्री कॉलेज मरी में उनको भी शामिल किया जाए।
इसके अलावा हमारे पास कैडेट्स जो हैं वो डिफरेंट किस्म के कंट्रीज़ में हमने प्लान कर रहे हैं उनके लिए। रिसेंटली हमारे पास एक यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम यप के नाम से है, नेपाल के साथ है, जिसमें मुख्तलिफ 60 कंट्रीज़ के वहाँ पर कैडेट्स आते हैं, वहाँ हमारे कैडेट्स जाते हैं, नेपाल के जो हैं वो हमारे पास भी आते हैं। इस तरह श्रीलंका के टूर भी हमारे कंट्री में होते हैं, वहाँ पर हमारे कैडेट्स उनके भी आते हैं, हमारे भी वहाँ जाते हैं। इसके अलावा हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी लेटेस्ट अभी जो ट्रेंड्स चल रहे हैं वर्ल्ड के अंदर, उनको हम डव टेल करके अपने कैडेट्स को इससे मुजयन किया जाए, ताकि इनकी बेहतर से बेहतर रहनमाई हो, ताकि मुस्तकबिल में जाके अपना कलीदी करदार इस मुल्क और कौम के लिए अदा कर सकें। अच्छा, लास्ट में एज ए डिप्टी कमांडेंट मिलिट्री कॉलेज मरी, आपका मैसेज क्या होगा? जी, बतौर डिप्टी कमांडेंट मेरा ये ईमान है और ये मेरी दुआ भी है कि अज़म और लगन से लैस, किरदार साजी के जज्बे से सरशार, मिलिट्री कॉलेज मरी तरक्की व कौमी खिदमत की मजीद मनाजिल तय करता रहे। आमीन। पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मलका कोसार मरी के मशहूर सियाती मकाम गड़ालागढ़ी सोरासी सईदा में बाबा सैयद लाल शाह कलंदर का मज़ार यहाँ आने वाले सियाहों और ज़ायरीन की तवज्जो का मरकज़ है। कहा जाता है कि बाबा जी आयात थे तो पाकिस्तान के दो सदूर अयूब खान और जनरल ज़ियाउल्लाह को आपसे इंतहाई अकीदत थी। वो अक्सर उनके पास हाजिर होते थे। मकामी लोग बाबा जी को लाल शाह बादशाह कहकर पुकारते थे। बाबा जी के वालिद का नाम सैयद मर्दान शाह काजमी था और आप हमाम मूसा काजम की नस्ल से थे। बाबा जी ने 1967 में तकरीबन 100 साल की उम्र में वफात पाई। आपका मज़ार अपनी मलकीती ज़मीन सोरासी सईदा में वाक़ है। नाम बताइएगा अपना। राजा अताउर रहमान। अच्छा, अताउर रहमान साहब, बताइएगा कि आपने अपने बुजुर्गों से क्या सुना है। अभी आप यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं तो कितना अरसा चला काटा है उन्होंने यहाँ? बर्फ का चला था सरकार का। अच्छा, बर्फ और का। बर्फ, बर्फ में भी सरकार इसी तरह बैठे रहते थे और कई बार मरीद कहते हैं कि सरकार के ऊपर से हम बर्फ हटाने लगे, सरकार ने गुस्सा किया कि मेरी रजाई क्यों उतार रहे हो। अच्छा, ये मेरी रजाइयाँ हैं, ये नहीं उतारनी है। तो फिर उतार देते थे लोग मरीज, सरकार के वो चाहने वाले थे तो सरकार बड़ी बड़ी करामतें दिखाते रहते थे। कहते थे कई बार, लोग कहते थे कि सरकार के पास हम बैठे हुए, कई बार सरकार ने यूँ बैठे बैठे ही कहा कि हाँ भाई, खाली प्याला लेते थे कमर के पीछे से घुमा के दिया और अलवा मखड्डी किसी के दिल में जो ख्वाहिश हुई वही उसको दिया और शेर की सवारी करते थे सरकार। कई बार शेर आता था यहाँ, शेर आता था सरकार, कई लोग बैठे हुए होते थे तो सरकार कई बार शेर आया और सरकार को ले गया और तीन तीन चार चार घंटे मरीज बैठ के इंतजार करते थे, फिर वापस आके छोड़ के चला जाता था। अभी मैं खुद शेर देखा यहाँ, मैंने इस 3 साल में 2 मरतबा शेर का यहाँ पे मुझे दीदार हुआ है इंशाअल्लाह ताला। इस 4 दीवारी के अंदर मैंने देखा है और हम मानते हैं कि वाकई सरकार को शेर उठा के ले जाता था और वापस, क्योंकि अल्लाह के प्यारे और वली लोग थे। और यहाँ परियां भी हैं, यहाँ ड्यूटी है इंशाअल्लाह ताला, मेरा ईमान यकीन कह रहा है कि यहाँ और परियों की ड्यूटी है और सरकार अभी भी हाजिर हैं, हम गुनाहगार लोगों की नजरों से वो पर्दा कर दिया। जी, यहाँ पर कुछ ज़ायरीन भी आए थ्रू आउट पंजाब से सफर करके, उनसे हम जरा बात करते हैं। आपको बताया गया था पहले इस जगह के बारे में, इनकी चिलागा के बारे में, कैसे यहाँ पहुँचे? वैसे ही मरीना आउटिंग के लिए आए हुए थे तो फिर हमने कहा कि इधर भी हाजिरी दें, कोई अपनी मन्नत मुराद जो है ना, बुलावा था आपका जब तो उसी बस जाहिर है, अब दिल में कसरत थी कि इधर आए सलाम करें तो शायद फिर ये हसरत पूरी होगी। उन्होंने ही हमें इस वसीले से बुलाया, अब हम इधर आए हैं कि सलाम करें, हाजिरी दें। हाँ जी, और फिर जो अपनी मन्नत मुराद है वो भी यहाँ अपनी, ज़ाहरा जी इतनी नेक हस्ती है देने वाली जात तो रब की है, इनके वसीले से फिर सब कुछ मिलता है, डायरेक्ट बंदा ऊपर पहुँच नहीं सकता।
84 में हूँ। यहाँ पर अल्लाह ताला के एक नेक बंदे कलंदर अपने वक्त के हजरत बाबा सैयद लाल हुसैन शाह रूए अली कलंदर के मुकद्दस मज़ार के ऊपर मौजूद हैं। इनकी लाइफ के ऊपर नज़र डालेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि मरी वो मुकाम है कि यहाँ पर बेशुमार टूरिस्ट भी आते हैं, लेकिन जब हम रिलीजियस टूरिज्म की बात करते हैं तो पूरे पाकिस्तान के या दुनिया से भी जहाँ जहाँ इनके चाहने वाले मौजूद हैं वो यहाँ पर हाज़िरी देते हैं, उनको रूहानी सुकून मिलता है। तो यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं सज्जादा नशीन हैं सैयद अली रज़ा काज़मी साहब, इस मज़ार की उनसे हम बात करेंगे इनकी लाइफ के ऊपर में। जी काज़मी साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा जिस जगह पर हम मौजूद हैं, ये तो बहुत बड़े अपने वक्त के कलंदर का मज़ार है, और जब हम बात करते हैं इन पहाड़ी इलाकों में, तो कब से लेके कब तक इनका ज़माना रहा है? हज़रत सैयद लाल हुसैन शाह रूह अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, आप जो है आपने पहले मस्जिद और मदरसे को संभाला और फिर वहाँ पर अशात दीन तबलीग दीन का काम किया, हुजूर की सुन्नतों को अपनाया और लोगों को तबलीग दीन की। फिर उसके बाद आप इसी कैफियत से गुजरते हुए आपने चिला कशी मुजाहिदात का जब सिलसिला शुरू किया तो आप जज्ब व सलूक की मनाजिल के बाद मजजूब रूह अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह 47 साल आपने 47 ईयर्स इन पहाड़ों में चिला कशी। कलंदर कहा जाता है कि दुनिया में एक ढाई कलंदर है। जी, उसमें इनका भी जिक्र है? इनका भी जिक्र है, क्योंकि हाँ। आप जो है रूह अली कलंदर हैं, और फिर बिहम्दी ताला हमारे ये ख़ानदान को इस बड़े सगीर में ये एजाज़ हासिल है कि हमारे ख़ानदान में 100 से ज़ायद अल्लाह के वली औलिया कामलीन, यानी हमारे दादा हज़रत सैयद लाल हुसैन शरू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के वालद, आपके दोनों बेटे, आपके चचा जो हैं वो अल्लाह के वली एक वक्त में गुजरे। बताइएगा कि कौन कौन सी मशहूर शख्सियात उनके दरबार में हाज़िर होती थी? जितनी भी थी उस वक्त की, बल्कि अंग्रेज़ जो यहाँ पर वाइस राय थे वो जब आए, हमारे बुज़ुर्गों की जो ये चिलागा आपने रास्ते में देखी है वहाँ पर जब आए तो हमारे बुज़ुर्गों ने उनको हुक्म दिया कि आप पाकिस्तान छोड़ दो, आप पाकिस्तान से चले जाओ। अच्छा, तो वो वाइस राय जो थे उन्होंने पूछा कि ये क्या कह रहे हैं बुज़ुर्ग इंग्लिश में, व्हाट इज़ ही सेइंग, तो उन्होंने बताया कि ये कह रहे हैं कि आप हमारा मुल्क छोड़ दें। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह वो भी बुज़ुर्गों के पास हाज़िरी देते रहे, अलामा इकबाल रहमतुल्लाह वो हाज़िरी देते रहे, इसी तरह फिर उसके बाद जब फील्ड मार्शल अयूब का दौर आया वो भी हाज़िरी देते रहे। अच्छा, वो ये कह कि मैं किसी से सुना था अपने बड़ों में से कि वो जब कैप्टन थे तो रिज़ाइन करने जा रहे थे? नहीं, वो तो लास्ट में उन्होंने हाज़िरी दी बुज़ुर्गों के पास। अच्छा, तो बुज़ुर्गों ने उनको शफकत फरमाई। अच्छा, और यहाँ से फैज़ इनायत किया और वो उसके बाद प्रेजिडेंट फिर बने। जी जी। और इसी तरह ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम वो भी यहाँ पर हाज़िरी देते रहे, इसी तरह ज़ियाउल हक मरहूम वो भी यहाँ पर हाज़िरी देते रहे। अच्छा। तो औलियाए कामलीन ने कौम और मिल्लत दोनों की खिदमत कौम और मिल्लत दोनों की खिदमत यानी इस्लाम के लिए काम किया, दीन के लिए काम। बिल्कुल। अच्छा, जो शेर की सवारी है, जी जी, ये बहुत कम हमें देखता है औलियाए कराम का, तो बरसगीर पाक और हिंद में बहुत बड़ा एक असर रसूख रहा है, लेकिन अल्लाह ताला जिसको इनायत कर दे, जिसको शेर की सवारी मेरे ख्याल में इन्हीं को नसीब हुई है। इसी तरह हजरत मौला अली करम अल वजुल करीम और हुजूर की बारगाह में भी जैसे शेर पेश होता रहे और हाज़िरी देते रहे, और हुजूर के वो सहाबी वाला मशहूर वाक़या तो आपको याद होगा कि जब उन्होंने फरमाया कि ख्याल करना है शेर मैं हुजूर का मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हूँ, तो शेर उनका ताबेदार हो गया। तो इसी तरह ये हुजूर की आल से हैं। अब भी शेर हाज़िरी देता है, अब भी दरबार पे हाज़िरी देता है। वो कब कब मसलन का, मतलब कभी शबे जुमा को। अच्छा। यानी जुमरात की रात को कभी कभी लोगों ये लोग यहाँ जो है देखते हैं उसे, और जो हमारे बुज़ुर्गों की चिलागाह जंगल में है वहाँ पर तो वो तकरीबन जो है वो उसकी आवाज़ें और वगैरह या उसको देखा वहाँ पर गया, वहाँ पर देखा गया। जी। अच्छा, इसके अलावा कौन सी करामात हैं जो सबसे ज़्यादा उनकी मशहूर हैं? जब प्रेजिडेंट अभी नहीं थे उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक मरहूम, जी जी, तो जब उन्होंने यहाँ न्यू मरी जो हमारा बाजार है इसके साथ जो हमारी चिलागा है दादाजी की, वहाँ पर हाजिरी दी। अच्छा, तो उनके दिल में ये ख्याल आया कि मैं भी कोई अपने दीन की और अपने मुल्क की खिदमत करूँ। अच्छा, तो बाबा जी ने फरमाया तुम फिक्र ना करो, तुम्हें मैं सदर बनाऊँगा, और उनको 3-4 घूसे रसीद किए, यानी बाबा जी का फैज़ ये वो मारूफ ये था कि आप जिसको डंडा लगाते थे
या जिसको कोई अगर कोई ऐसा गुस्सा या अगर कोई इस तरह वो सख्ती फरमाए तो उसको यकीन ये होता था लोगों का क्या फैज मिल गया। तो बाबा जी ने फरमाया तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे हाथ से काम लेंगे दीन का। और फिर बाबा जी रहमतुल्लाह ने उस वक्त ये फरमाया था कि रूस के मैंने टुकड़े कर दिए, क्योंकि वो उस वक्त सुपर पावर बनने की करीब था, देख रहा था ख्वाब। और फिर वो हम मुसलमानों के खिलाफ था, इंडिया वगैरह भारत का वो दोस्त था, फ्रेंड था। तो उस हवाले से सबसे बड़ी करामत हमारी कौम और मिल्लत की खिदमत के लिए कि फिर 80s में लोगों ने देखा कि वो उसी तरह टुकड़े 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 हो, और उसका कहीं ना कहीं पाकिस्तान को या मुसलमानों को फायदा जरूर मिला। इसके अलावा कोई और? इसके अलावा 65 की जब वार थी तो बाबा जी रहमतुल्लाह ने इरशाद फरमाया था जनरल अय्यूब को, आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तुम्हें फतह देगा लेकिन जो तुमने इलाके जब वो ले लिए फतह करके तो उन्हें वापस ना करना। और उस महाज पर जो फौजी जवान लड़ रहे थे या मुजाहिदीन जो थे सिविलियन मुजाहिदीन वो लड़ रहे थे, तो बाबा जी रहमतुल्लाह बज़ाहिर तो एक नातवां बुज़ुर्ग शख्सियत थे लेकिन उन्होंने देखा वहाँ पर बॉर्डर पर बाबा जी को मौजूद वहाँ पर आपने देखा। उस पर बहुत सारे जो आर्मी के बंदे थे बाद में जब वो रिटायर्ड हुए बाबा जी के पास हाजिरी दी तो उनमें से एक साईं बहादुर थे सरदार बहादुर, तो उन्होंने सारी उम्र बाबा जी की खिदमत में गुजार दी, रिटायर्ड आर्मी से थे। और वही हमें करामात सुनाते थे कि मैंने इस वजह से इस एक बात पर एक जलवे पर फिदा हुआ कि वहाँ बॉर्डर एरिए पर जब हमारे पास राशन भी ख़त्म हो गया असला भी ख़त्म हो गया तो हमने अल्लाह के वलियों को यानी अपने पीर मुर्शिद को याद किया, तो बाबा जी को हमने वहाँ टैंक के ऊपर बैठे इस बात पर फिर उन्होंने आकर बाबा जी की बैत की और फिर सारी उम्र बाबा जी के कदमों में गुजारी, सारी उम्र बाबा जी के कदमों में गुजारी। अब लोग जाहिर है देने वाली जात अल्लाह ताला की है लेकिन एक वसीला चाहिए होता है, क्योंकि औलिया इकराम की जो इतना बड़ा रूहानी ये मज़ारात होते हैं इनकी एक अपनी होती है कि आप जब मांगोगे मिलेगा। क्या कुछ हाजतें लेके आते हैं पाकिस्तान भर से? यहाँ पर लोग दुनिया भर से लोग आते हैं तो कोई दीन मांगते हैं कोई दुनिया मांगते हैं, लेकिन अजीम तो यकीनन वही मुसलमान है जो दीनदारी इस वसीले से अल्लाह की बारगाह से दीनदारी के मुतलाशी होते हैं या ख्वाहिशमंद होते हैं। आज के प्रोग्राम में हमने फोकस किया तहसील मरी की हिस्ट्री के ऊपर, नज़र डाली और आपको बताया कि अंग्रेज़ किन किन रास्तों से होता हुआ उसने मरी को डेवलप किया और किन किन कबाइल के साथ उनकी जड़पें भी रहीं, उनके कब्रिस्तान का भी तारीख की, कब्रिस्तान का आपको विज़िट करवाया 88 में एक जंगे आज़ादी का मुकामी कबाइल के साथ उनका महारका भी हुआ जिसमें उनके इंडियन जो ब्रिटिश आर्मी थी उनके सोल्जर भी वहाँ पर जांबाक हुए। इसके अलावा हम आपको ले के गए मरी मिलिट्री कॉलेज जो उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशवाक परवेज कियानी का एक अच्छा इनिशिएटिव था कि उनके आम सोल्जर जो सिपाही वलदार और सूबेदार यानी नॉन कमिश्नर ऑफिसर्स हैं उनके बच्चों को भी एक अच्छी दसगाह मिले जहां पर वो तालीम हासिल कर सकें। और अब उसके बारे में भी हमने आपको बताया वहां से निकल के जो स्टूडेंट हैं मुख्तलिफ शुबाई ज़िंदगी में एम जो जिम्मेदारियाँ हैं वो निभा रहे हैं और मुल्क कौम की खिदमत कर रहे हैं। रिलीजियस टूरिज़म की जब हम बात करें तो हम आपको ले के गए सोरासी, वहाँ पर हज़रत सैयद बाबा लाल हुसैन शाह के मज़ार का भी विज़िट करवाया, उनकी करामात के बारे में भी बताया। इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम था, हमने कहा कि क्योंकि पाकिस्तान के तो तमाम और वर्ल्ड के टूरिस्ट को मरी की और मरी की खूबसूरती और मरी के जो टूरिस्ट पॉइंट उनके बारे में तो पता है, लेकिन हमने कहा ज़रा हम हिस्ट्री को खोजते हैं ताकि जब दोबारा आप विज़िट करें तो आप रिकॉल करें मेमोरीज को कि मरी किस तरीके से डेवलप्ड हुआ। इसी के साथ नसीर अब्बासी को यहाँ मरी की खूबसूरत और पुरफिजा मुकाम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।